हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम MCQs भी बोल देते हैं हम शॉर्ट में, तो आजकल MCQs बेहद इम्पोर्टेंट हो गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरे चैप्टर की फास्ट रिविजन करने के हिसाब से भी। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। आप चाहें तो साथ साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और क्वेश्चन आते ही उसको पॉज करके आप खुद उसका आंसर एक बार सोच सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। इससे आपको चैप्टर के बारे में आपकी तैयारी का भी आइडिया लग जाएगा। तो आप चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में साथ ही आंसर लिख सकते हैं या फिर आप कॉपी पेन के साथ जो आपके आंसर है आप लिख सकते हैं वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, और फाइनली आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से ठीक हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। नॉट एन इरेशनल नंबर, तो पहले तो इसमें से इरेशनल नंबर देख लो कौन से हैं। यहाँ पे नॉट कहा है, इरेशनल नंबर। रूट 2 इरेशनल है, बिल्कुल। रूट 3 भी इरेशनल है। रूट 4, देखो रूट 4 की वैल्यू तो हमारे पास 2 होती है, तो रूट 4 तो हमारे पास इरेशनल नहीं है, तो ये नॉट इरेशनल है, तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। रूट 5 भी इरेशनल है, उसने कहा था नॉट इरेशनल, तो नॉट के लिए तो हमारा जो सी ऑप्शन है रूट 4, ये हमारे पास नॉट इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी इनवेरिएबली बी रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। यहां पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन इनवेरिएबली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जैसे 8 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है प्राइम, इवन, ओड, कंपोजिट, तो हमारा जो आंसर है वो ए राइट ऑप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज। द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, जो प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम्स हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो इसमें से 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड हैं। तो इनमें जो स्मॉलेस्ट होगा वो 3 होगा हमारे पास। द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3, तो 3 आप देखें, ए ऑप्शन में 1 है, बी में 2 है, सी में 3, तो 3 हमारा राइट ऑप्शन है, डी में 5 है, तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज। अब प्यारे बच्चों, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 17 को 8 से डिवाइड कर लो सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो, अदरवाइज देखो आप 17 को ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड बाय 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास 3 टाइम 2s हैं, तो हम यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं, तो यहाँ से 5 अगेन, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे तो आ गया हमारे पास 2 × 5 = 10, इस 2 × 5 = 10, नेक्स्ट 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे नीचे तो 3 जीरोज आ गई,
फाइव की फाइव के साथ 25, 125, तो 125 की आपको 17 के साथ करनी है, 125 की आपको 17 के साथ करनी है। 17 5 या 85 से 5 आ जाएगा हमारे पास, 72 या 34 और 8 42 हो जाएगा, 42 से 2 मिल जाएगा 4, 17 1 17 और 4 21 आ जाएगा हमारे पास, 21 और 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो अभी फिलहाल नीचे लगा देते हैं, यानी कि मीन्स 2.125 ये आ जाएगा हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसको इसकी सिंपल डिवीजन कर ले 17 को, जैसे हम सिंपली डिवीजन करते हैं, जैसे हम इस तरह से करते हैं ना कि 17 को आप, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म्स नहीं है, 8 से सिंपली डिवाइड करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आंसर आया था वो आया था 2.125, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 5। अब देखो जो 5 है, 5 तो 20 का फैक्टर है, तो 5 तो 20 का फैक्टर है, तो इसका मतलब एचसीएफ 5 पे दोनों डिविजिबल है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसका चेक कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर टू टर्म्स हैं उनमें से वन दूसरे का फैक्टर है तो जो छोटी वाली टर्म है वो एचसीएफ ही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 19, 4 और 19। अब देखो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 और 19 में फोर है हमारे पास और ये 19 है हमारे पास, तो 4 और 19 में 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ है वो क्या है, 1 है, तो 4 और 19 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो एचसीएफ 510 और 92 का आपने देखना है। अब इसके आप एक तो इसको आंसर से कर सकते हो, एक दूसरा तरीका फिर यही है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, कि 510 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 पे किया तो ये 2, 5 और फिर 5, अब यहाँ पे 3 पे किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 5, 5 पे किया तो 17 आ गया। अब 17 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि 17 प्राइम है, तो 510 को तो हम लिख सकते हैं, 510 को हम लिख देंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। इसी तरह से 92 को भी कर लेंगे आप, तो 92 पे 2 पे करेंगे तो ये 46 रह जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 23 रह जाएगा, 23 तो हमारे पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अब आप देखें कि आपके पास 2 दोनों में आया हुआ है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो 2 ही है दोनों में, तो 2 अगर दोनों में है तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर विल बी, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब आप देखो, सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं 2 और 3, इसका एचसीएफ देखते हैं और इसका एलसीएम, इनका एचसीएफ है 1 और एलसीएम है 6। ठीक इसी तरह से अगर हम 2 और 4 ले तो इसका एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 4। ठीक इसी तरह से अब आप देखें कि जो एचसीएफ है वो तो दोनों नंबर से भी कम हो सकता है,
या फिर दोनों नंबर में से जो छोटा है उसके इक्वल होगा, और जो एलसीएम है वो दोनों नंबर से बड़ा होगा या फिर दोनों नंबर में जो बड़ा है उसके इक्वल हो सकता है, यानी कि एचसीएफ लेस होता है और एलसीएम ग्रेटर होता है। तो एक केस में ये इक्वल हो सकते हैं, एक केस में इक्वल हो सकते हैं। मान लो आपके पास केस फोर और फोर का निकालना है आपको, फोर और फोर का एचसीएफ भी फोर होगा और एलसीएम भी फोर होगा, तो उस केस में तो एचसीएफ और एलसीएम इक्वल हो जाएंगे, नहीं तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम से लेस होता है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एचसीएफ इज ग्रेटर देन एलसीएम, नहीं ये नहीं हो सकता। सेकंड में एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, ये हो सकता है जो सेम नंबर हो जैसे फोर और फोर। एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये भी देखो यहाँ पे ये हमने जो दोनों नीचे एग्जाम्पल लिए हैं इसमें जो एलसीएम है वो ग्रेटर है एचसीएफ से, ये भी सही है। और यहाँ पे बी एंड सी बोथ, डी ऑप्शन में लिख रखा है कि बी और सी दोनों हो सकते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो हमारा जो है वो डी है, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव एचसीएफ 4। तो हमें ये बताना है कि कौन से पेयर का जो एचसीएफ है 4 है। फर्स्ट का देखो 23 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका तो एचसीएफ 1 होगा। बी में 28 और 4, देखो 4 28 का एक फैक्टर 4 है, तो यानी कि ये सही है बिल्कुल, तो इनका एचसीएफ 4 हो जाएगा। 31 और 4 में इनमें कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा, तो इनका तो एचसीएफ 1 होगा। 10 और 4 इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा, तो बी ही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें कहा गया है फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। रूट 36 तो 6 के इक्वल होता है, ये तो रैशनल हो गया। रूट 121 भी 11 के इक्वल होता है, ये भी रैशनल हो गया। रूट 93 के इक्वल होता है, ये भी रैशनल हो गया। तो रूट 8 ही बचा हमारे पास, तो रूट 8 हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, द प्राइम फैक्टर ऑफ 72 विल बी। तो 72 के आप प्राइम फैक्टर बना लें, 72 के प्राइम फैक्टर कोई ज़्यादा सी बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। 72 इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो 36 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो 2 2 2 यानी कि 2 raised to power 3 है, और 3 and 3 3 raised to power 2 है, 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2। फर्स्ट में 2 raised to power 3 3 raised to power 1 है, सेकंड में 2 raised to power 3 3 raised to power 3 हो गया, ये भी गलत हो गया। सी में 2 raised to power 2 3 raised to power 3, ये भी गलत हो गया। डी में 2 raised to power 3 और 3 raised to power 2, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों 2 से, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ओड हैं। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, एक बार फिर आ गया, तो चलो इसको यूज कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तो 3 है हमारे पास, और अगर ओड की जगह पे अगर हम इवन लिख दें, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो एक ही है हमारे पास जो इवन है, जो प्राइम नंबर इवन है वो तो एक ही है हमारे पास, 2 ही है बस। तो फिर इसका आंसर इवन के केस में क्या होता है, इसका आंसर 2 हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको फास्ट अपने माइंड में सोचने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए, इस सेंस में इसको यूज कर लिया गया। यहाँ पे एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें क्या करना था, हमें करना है 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसका HCF आ जाएगा 8, तो 8 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका HCF आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इट इज कॉल्ड एज, ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा? नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो नहीं है ये हमारे पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बिल्कुल सही बात है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हम पढ़ ही नहीं रही है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।